मिथिलेश कुमार, ये स्लाइड दिख रहा है क्या तुमको? हाँ मिथिलेश कुमार, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अंकित, ये स्लाइड दिख रहा है क्या अंकित? यस सर, दिख रहा है सर क्लियरली। चलो ठीक है। हाँ तो मैं तुम लोग को इस शेयरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा था, और मेरा जो एक्चुअली में क्या है कि ये सब लेक्चर को रिकॉर्ड करना पड़ता है यार, इस कारण थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेकर के चलूंगा मैं, और लेक्चर को रिकॉर्ड करना पड़ता है, शो करना पड़ता है, इसका मैं शुरू से लेकर के पढ़ाऊंगा, और 4-5 स्लाइड ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ओके सर। इस स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन से। इस स्टीयरिंग सिस्टम, जैसा कि मैं आपको पहले बता ही रहा था कि पर्पस जो होता है स्टीयरिंग सिस्टम का, वो डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है जब व्हीकल ट्रेवल करता है। तो
जब व्हीकल हमारा जो रोड सरफेस में ट्रेवल करता है तो राइटवर्ड डायरेक्शन या टर्न करना हो या फिर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन टर्न करना हो तो या फिर स्ट्रेट स्ट्रेट अगर हमको डायरेक्शन में मूव कराना हो व्हीकल को, तो उस सिचुएशन में जो डायरेक्शन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम का मेन रोल प्ले होता है। मूवमेंट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील जो होता है ड्राइवर के द्वारा किया जाता है, जो स्टीयरिंग व्हील का जो मूवमेंट है वो ड्राइवर ही इसको कंट्रोल करता है, और स्टीयरिंग व्हील का जो मूवमेंट है वो ड्राइवर संभालता है, और ये जो स्टीयरिंग व्हील का जो कंट्रोल है वो रोड व्हील के एक्यूरेट रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आपका रोड व्हील जो है किस तरीके से रोड व्हील मूव कर रहा है आपका रोड सरफेस पर, आपका जो है आपको कैसे टर्न लेना है, तो ये जो जो ड्राइवर होता है वो स्टीयरिंग व्हील को मूव कराता है, और स्टीयरिंग व्हील के मूव करने के अकॉर्डिंग ही जो रोड व्हील के जो डायरेक्शन है रोड व्हील का जो रोड सरफेस पे जो व्हील का जो डायरेक्शन है वो कंट्रोल होता है, वो जो मूवमेंट जो है उसका। तो ये जो है स्टीयरिंग व्हील का जो मूवमेंट है वो स्टीयरिंग व्हील का मूवमेंट जो है वो ड्राइवर के द्वारा हैंडल किया जाता है, और एक्यूरेटली रिस्पॉन्स गैदर करना जरूरी होता है जब आपका जो रोड व्हील की सर्फ जो रोड व्हील जो है उसको जो एक्यूरेटली रिस्पॉन्स गैदर करना जरूरी होता है। तो स्टीयरिंग व्हील का जो कंट्रोल जो होता है व्हीकल का वो भी मेंटेन होना चाहिए, सेफ्टी मेंटेन होना चाहिए थ्रू आउट स्पीड रेंज। स्पीड रेंज के अकॉर्डिंग जो है जितनी भी स्पीड रेंज है जो आपका जो जो स्पीड रेंज है उसके साथ में लिटिल एफर्ट के साथ में जो है आपका जो व्हीकल का कंट्रोल जो है वो मेंटेन होना चाहिए। और ये जो मेंटेनेंस जो होता है व्हीकल का कंट्रोल का जो मेंटेनेंस है जो मेंटेन होता है जो आपका जो जब वो ट्रेवल करता है वो विद सेफ्टी के साथ कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो चाहे अब स्पीड का जो आपका जो रोड सरफेस पर चाहे कैसे भी कंडीशन हो, चाहे रोड सरफेस पर आपका गड्ढे हो या चाहे रोड सरफेस पर आपके जो है गीली रोड सरफेस हो, चाहे वेट रोड सरफेस हो या चाहे चाहे कितने भी गड्ढे हो रोड सरफेस में, तो वो सभी कंडीशन पे आपका जो रोड सरफेस पर है वो व्हीकल जो है स्टीयरिंग सिस्टम जो है वो एक्यूरेटली कंट्रोल्ड हो जाना चाहिए बाय द ड्राइवर जब वो हैंडल कर रहा हो। तो फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन जो होता है स्टीयरिंग सिस्टम का फंक्शन, पहला फंक्शन जो है कि ये जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो हेल्प करता है व्हील को स्विंगिंग करने के लिए लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में स्विंगिंग करने के लिए, व्हील को व्हील का डायरेक्शन जो है लेफ्ट डायरेक्शन में स्विंगिंग करे या राइट डायरेक्शन में स्विंगिंग करे उसके लिए ये हेल्प करता है स्टीयरिंग सिस्टम। दूसरा जो है ये एक करेक्ट करेक्ट एफर्ट जो है मेंटेन करके रखता है स्टीयरिंग सिस्टम जो होता है, जो कि व्हील को टर्न करने के लिए जरूरत होती है, जो एफर्ट जो होता है जो करेक्ट एफर्ट जो है वो मेंटेन करता है जो कि व्हील को टर्न करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो ये करेक्ट एफर्ट को मेंटेन करता है आपका जो दूसरा जो फंक्शन है आपका जो स्टीयरिंग व्हील स्टीयरिंग सिस्टम का। तीसरा जो है स्टीयरिंग सिस्टम जो रोड रोड जो है सरफेस रोड सरफेस पर अगर कहीं गड्ढे हों और कहीं पर अगर ब्रेकर आ जाए तो उसके कारण शॉक्स जनरेट होता है, और ये जो शॉक्स है वो जो स्टीयरिंग व्हील को भी ट्रांसमिट होता है, पर ये स्टीयरिंग व्हील की कैपेसिटी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो जो रोड शॉक्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर ले और ड्राइवर को हैंड को वो ट्रांसमिट ना करे। तो ड्राइवर के हैंड को ट्रांसमिट ना करे इस तरीके से आपका स्टीयरिंग व्हील का जो होना चाहिए कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ये तीन फंक्शन है जहाँ पर मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो है स्टीयरिंग व्हील के हैं। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो स्टीयरिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट जो है वो मेन यहाँ पर बताना चाहूंगा मैं। रिक्वायरमेंट जो है पहला रिक्वायरमेंट है कि एक्सेलेंट मैन्यूवरेबिलिटी होनी चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि एक्सेलेंट मैन्यूवरेबिलिटी यानी कि आपका ईज टू ऑपरेट जो होता है उसे हम मैन्यूवरेबिलिटी कहते हैं। तो जब कोई कार है वो अगर नैरो कॉर्नरिंग पे अगर कहीं पर अगर टर्न ले रहा है या फिर ट्विस्टिंग रोड में अगर मूव कर रहा हो अगर कोई कोई व्हीकल जो है, तो इस स्टीयरिंग सिस्टम को की एबिलिटी इस तरीके से होना चाहिए कि उसका जो फ्रंट व्हील है वो शार्पली टर्न ले सके और इजीली और स्मूथली टर्न ले सके अगर उसको टर्न लेना है तो। यानी कि जो हैंडल होना चाहिए वो इजी टू हैंडल होना चाहिए, इजी टू ऑपरेट होना चाहिए, ताकि वो जो ये रिक्वायरमेंट जो होती है स्टीयरिंग सिस्टम की इस प्रकार से होती है। तो एक्सेलेंट मैन्यूवरेबिलिटी उसकी पहली पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी जो है प्रॉपर स्टीयरिंग एफर्ट होना चाहिए आपका जो आपका स्टीयरिंग सिस्टम है उसका जो प्रॉपर स्टीयरिंग एफर्ट होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर अगर हम
अगर ये अगर आप जो व्हीकल को स्टीयर कर रहे हो, तो अगर लो स्पीड में अगर हम ट्रेवल करा रहे हो व्हीकल को, तो उस सिचुएशन में वो लो स्पीड में वो लाइटली हैंडल हो जाए, और अगर आप हैवी स्पीड में अगर हम ट्रेवल करा रहे हैं व्हीकल को, तो हैवी स्पीड में भी वो हैवीली वो एफर्ट लगाए, तो हैवी स्पीड में हाई स्पीड में हैवीली एफर्ट लगाए और लो स्पीड में लाइटली एफर्ट लगाए, तो ये प्रॉपर स्टीयरिंग एफर्ट जो होना चाहिए वो उसकी रिक्वायरमेंट है आपकी जो स्टीयरिंग सिस्टम की। दूसरा जो है, तीसरा जो है, यहाँ पर जो है स्मूथ रिकवरी होना चाहिए आपका। अगर हम टर्न कर रहे हैं व्हीकल को, कम्प्लीटली टर्न करा रहे हैं, तो व्हील जो है स्ट्रेट अहेड पोर्शन, व्हील जो है वो टर्न करने के बाद जो है जो स्ट्रेट अहेड पोजिशन में आ जाए, इजिली आ जाए, ये उसकी रिकवरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो स्टीयरिंग व्हील जो होती है। स्टीयरिंग व्हील को अगर हम टर्न करते हैं, तो आपका फ्रंट का व्हील जो है वो टर्न हो जाता है, और फ्रंट का व्हील टर्न होने के बाद वो जो आपका जो स्टीयरिंग है वो सीधा सीधा स्ट्रेट अहेड पोजिशन में आ जाए, तो ये भी एक स्मूथली ड्राइवर के द्वारा हो जाना चाहिए, जो कि टर्निंग और स्टीयरिंग के समय में जरूरत पड़ती है। तो ये एक स्मूथ रिकवरी जो है, और तीसरा जो है वो रिक्वायरमेंट है, स्मूथ रिकवरी जो है वो आपका जो है वो तीसरा रिक्वायरमेंट आपका स्टीयरिंग सिस्टम का। यहाँ पर एक चौथा जो है स्टीयरिंग व्हील का जो चौथा रिक्वायरमेंट जो है वो है मिनिमम ट्रांसमिशन ऑफ शॉक फ्रॉम द रोड सरफेस होना चाहिए। मिनिमम ट्रांसमिशन शॉक फ्रॉम द रोड सरफेस का मिनिमम ट्रांसमिशन, मान लो अगर आपका शॉक्स में गड्ढों में अगर ट्रेवल कर रही है गाड़ी, या फिर अगर कहीं जर्क में अप्लाई हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो लॉस ऑफ स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल जो है ड्यू टू रोड सरफेस रफनेस के कारण वो नहीं होना चाहिए। जो लॉस ऑफ स्टीयरिंग व्हील का जो कंट्रोल जो है, लॉस नहीं होना चाहिए स्टीयरिंग कंट्रोल का, अगर भले ही सरफेस रफनेस जो है रोड सरफेस का रफनेस जो है चाहे जो भी हो, तो लॉस ऑफ स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल लॉस नहीं होना चाहिए आपका कंट्रोलिंग में। तो ये मिनिमम ट्रांसमिशन ऑफ शॉक फ्रॉम द रोड सरफेस जो है वो होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट जो है, चौथी रिक्वायरमेंट है। कंपोनेंट में मैं आना चाहूंगा। कंपोनेंट जो है स्टीयरिंग सिस्टम जनरली जो है कंसिस्ट होता है तीन मेन का सेक्शन जो होते हैं कंपोनेंट में, स्टीयरिंग व्हील स्टीयरिंग सिस्टम में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला स्टीयरिंग कॉलम होता है, दूसरा जो है स्टीयरिंग गियर होता है स्टीयरिंग, और तीसरा जो स्टीयरिंग लिंकेज है। ये आपका जो है यहाँ पर देखो, ये व्हील जो यहाँ पर मैं डायग्राम में शो कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो है ये आपका स्टीयरिंग कॉलम है, यहाँ पर ये स्टीयरिंग पूरा स्टीयरिंग कॉलम है, फिर यहाँ पर स्टीयरिंग गियर है, और ये जो जो नीचे का जो लिंकेज है वो आपका स्टीयरिंग लिंकेज कहलाता है, जो कि व्हील के साथ अटैच रहता है। तो इस तरीके से ये तीन कंपोनेंट जो है स्टीयरिंग व्हील स्टीयरिंग सिस्टम के जो है जनरली तीन मेन कंपोनेंट है। तो ये जो स्टीयरिंग कॉलम जो है वो कंसिस्ट होता है मेन स्टीयरिंग शाफ्ट से, जो कि स्टीयरिंग शाफ्ट, देखो यहाँ स्टीयरिंग शाफ्ट है जो कि ये ट्रांसमिट करता है स्टीयरिंग का व्हील रोटेशन जो है उसको ट्रांसमिट करता है टू द स्टीयरिंग गियर को। यहाँ पर जो स्टीयरिंग गियर है उसको स्टीयरिंग व्हील रोटेशन ट्रांसमिट करता है। और दूसरा जो है यहाँ पर एक कॉलम ट्यूब होता है जो कि फिक्स होता है मेन स्टीयरिंग शाफ्ट में टू द बॉडी में। तो ये जो यहाँ एक जो कॉलम जो है, ये ट्यूब जो है, कॉलम ट्यूब जो है वो फिक्स होता है मेन स्टीयरिंग शाफ्ट में बॉडी, पूरे बॉडी के शाफ्ट में जो है यहाँ पर ये जो पूरा जो शाफ्ट है यहाँ पर स्टीयरिंग कॉलम यहाँ पर जो है फिक्स होता है, जो कि बॉडी के पूरे जो पूरा कंप्लीटली जो बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें यहाँ पर ये कॉलम जो है ये शाफ्ट जो बॉडी में है यहाँ पर फिक्स रहता है। टॉप एंड जो होता है इसका जो है वो मेन स्टीयरिंग शाफ्ट से फिटेड रहता है स्टीयरिंग व्हील के द्वारा। जो टॉप एंड जो है स्टीयरिंग शाफ्ट का जो है वो स्टीयरिंग व्हील के द्वारा फिटेड होता है बाई नट के द्वारा, नट जो है बोल्ट के द्वारा, जो यहाँ पर नट बोल्ट के द्वारा जो है ये टॉप एंड जो है जो स्टीयरिंग शाफ्ट का जो है वो स्टीयरिंग व्हील के साथ में यहाँ पर जो है नट बोल्ट के द्वारा फिक्स रहता है। और जो बॉटम एंड जो होता है यहाँ पर जो आपका जो बॉटम एंड दिखाई दे रहा है वो मेन स्टीयरिंग शाफ्ट के द्वारा जो है कनेक्टेड रहता है स्टीयरिंग गियर के द्वारा। जनरली स्टीयरिंग गियर के द्वारा जनरली यहाँ पर एक तो फ्लेक्सिबल ज्वाइंट हो सकता है, और या फिर दूसरा जो है यहाँ पर यूनिवर्सल ज्वाइंट हो सकता है। अगर फ्लेक्सिबल ज्वाइंट यूज नहीं कर रहे हैं तो यूनिवर्सल ज्वाइंट यूज कर सकते हैं, जो कि मिनिमाइज करता है ट्रांसमिशन ऑफ रोड शॉक्स को फ्रॉम द स्टीयरिंग गियर टू द स्टीयरिंग व्हील। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर ये जो है यूनिवर्सल ज्वाइंट
या फिर नहीं तो फ्लेक्सिबल ज्वाइंट यूज किया जाता है जो कि मिनिमाइज करता है ट्रांसमिशन, रोड सॉक्स के ट्रांसमिशन को मिनिमाइज करता है, जो अगर जब व्हील जो है जो जब दचके लगते हैं या जर्क जो लगता है तो उस सिचुएशन में जो शॉक शॉक जो जनरेट होता है उसके ट्रांसमिशन को ये जो है यूनिवर्सल ज्वाइंट मिनिमाइज कर देता है। तो ये स्टीयरिंग गियर के फ्रॉम द स्टीयरिंग गियर से लेकर के स्टीयरिंग व्हील के जो जो ट्रांसमिशन जो होता है यहाँ पर जो शॉक्स जो ट्रांसमिट होता है उस सिचुएशन को यहाँ पर ये यूनिवर्सल ज्वाइंट जो है ये उसको वो एब्जॉर्ब करता है या फिर वो जो यूनिवर्सल ज्वाइंट जो होता है वो शॉक्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर वो सिचुएशन में वो उसको रोक के रखता है। तो यहाँ पर जो है कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम जो है, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम कौन कौन से हैं। तो ये देखो ये पहला एक कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम है, देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये पहला फिगर है, और यहाँ पर ये दूसरा जो कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम दिख रहा है ये देखो ये दूसरा स्ट्रक्चर है कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम का, जिसमें यहाँ पर ये ज्वाइंट के साथ में ये बेंट होने की इसकी कैपेबिलिटी, टर्न करने की यहाँ पर कैपेबिलिटी होती है। और तीसरा जो कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे में एक शाफ्ट है, और जो स्टीयरिंग कॉलम का जो शाफ्ट है वो यहाँ पर है जो यहाँ पर एक जॉइंट के साथ में कनेक्टेड है, और ये मैं भी आपको इसको डिस्कस करूंगा। तो ये जो स्टीयरिंग जो कोलैप्सिबल के टाइम पर ये जो स्टीयरिंग शाफ्ट जो है ये जो शाफ्ट नीचे चला जाता है, और जो नीचे वाला स्टीयरिंग शाफ्ट वो राइड अप हो जाता है ऊपर हो जाता है ड्यूरिंग द कोलिजन के टाइम पर। और यहाँ पर एक चौथा दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये एक जो है ये इंटरनल ट्यूब इनर ट्यूब है और उसमें बॉल बियरिंग कनेक्टेड है, और ये इनर ट्यूब जो है वो कवर अप है भाई आउटर ट्यूब के थ्रू। तो ये आपका यहाँ पर ये जो है ये आउटर ट्यूब के थ्रू यहाँ पर ये बॉल बियरिंग से कनेक्टेड होते हुए ये जो है ये इनर ट्यूब जो है अंदर इसमें कनेक्टेड है। तो ये आफ्टर कॉलेप्स कंडीशन पर ये कंडीशन गैदर कर लेता है, और आफ्टर कॉलेप्स कंडीशन पर आपका ये जो जो सी डायग्राम पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस कंडीशन को गैदर कर लेता है। सिमिलरली ए वाला जो डायग्राम है वो कॉलेप्स कंडीशन पर ये जो जो दूसरा डायग्राम है उसको गैदर कर लेता है, और ये जो आपका जो बी वाला डायग्राम है कॉलेप्स कंडीशन पे ये आपका जो है ये दूसरा डायग्राम को गैदर कर लेता है। तो होता क्या है जब स्टीयरिंग कॉलम को हम क्यों डिजाइन करते हैं कि इसलिए स्टीयरिंग कॉलम को जो डिजाइन जो होता है उसका डिजाइनिंग कंडीशन पे हम जब उसको डिजाइन करते हैं तो उस सिचुएशन में कॉलेप्स जो है वो इम्पैक्ट को इजीली जो है एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इन द इवेंट जो कॉलिजन के इवेंट पर क्या होता है कि ड्राइवर जो होता है उसको इंजुरी जो है कॉलिजन के टाइम पर अगर हम एक्सीडेंट होता है या फिर कॉलिजन जो होता है उस सिचुएशन में ड्राइवर जो है उसको रिस्क ऑफ इंजुरी होती है, अगर जो खतरा रहता है कि इंजुरी होने की जो प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो स्टीयरिंग व्हील जो ये जो जो इंजुरी है वो स्टीयरिंग व्हील के द्वारा हो सकता है या फिर स्टीयरिंग कॉलम से भी अफेक्टेड हो सकता है आपका जो ड्राइवर बैठा हुआ है कैबिन में जो जो कोलैप्सिबल कंडीशन पे जो जो जब कोलिजन होता है तो उस सिचुएशन पे। तो पहला जो है कि यहाँ पर जो ये जो पहला स्टीयरिंग जो शाफ्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपका ये एक्सपांडेड मेटल से मिलकर बना होता है, यहाँ पर जो जो ज्वाइंट है यहाँ पर जो ज्वाइंट दिखाई दे रहा है वो एक्सपांडेड मेटल ग्रिड से बना हुआ ज्वाइंट होता है एक्सपांडेड मेटल ग्रिड से। और ये जो एक्सपांडेड मेटल ग्रिड से जब कोलिजन होता है तो ये जो कोलिजन होने टाइम पर जो है ये अगर मान लो अगर एक जो कहीं पर एक्सीडेंट कंडीशन आ जाता है तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो इस सिचुएशन में यहाँ पर जो है ये कोलैप्स हो जाता है, और ये जितनी भी जो एनर्जी जो शॉक एनर्जी जो जनरेट होती है उस सिचुएशन में वो इसके कंप्रेस्ड होने के साथ में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो ये पहला जो है ये कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम है ये उस सिचुएशन में ये इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये पहला इसका जो टाइप है ये फिगर ए में शो हो रहा है। दूसरा जो है यहाँ पर स्टीयरिंग कॉलम जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो एंगल्ड है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये एंगल्ड होकर के ये टर्न कर जाता है। मान लो अगर यहाँ पर अगर कहीं कोलिजन की स्थिति आती है या फिर अगर कंडीशन बनता है तो उस सिचुएशन में आपका स्टीयरिंग व्हील जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर टर्न हो जाता है, और इस प्रकार से जो ये जो यूनिवर्सल ज्वाइंट है वो थोड़ा सा टर्न हो जाता है, और इस प्रकार से ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़ा टर्न होकर के सेफ्टी प्रोवाइड करता है आपके जो ड्राइवर को कोलिजन के टाइम पर इम्पैक्ट के टाइम पर। तो ये जो है ये दूसरा दूसरा टाइप का कोलिजन स्टीयरिंग कॉलम स्ट्रक्चर है।
पहला जो सीरिंग कॉलम है यहाँ पर एक्सपांडेड ग्रीन मेटल जो है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, दूसरा जो है यहाँ पर जो ट्यूब है वो टर्न होने की कैपेबिलिटी रखता है दूसरा जो ट्यूब है, तीसरा जो आपको यहाँ पर जो दिखा रहा है अनदर डिजाइन जो जो यहाँ पर सीरिंग शाफ्ट का जो है यहाँ पर सेक्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो ज्वाइंट्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं और जबकि ये जो ज्वाइंट्स है वो सेम लाइनिंग में प्लेस्ड नहीं रहते हैं, इनको एक इनको इनको एक शाफ्ट के ज्वाइंट्स के थ्रू यहाँ पर जो है कनेक्टेड किया जाता है। ये जो है इस प्रकार के ज्वाइंट में होता क्या है कि ये जो जब फ्रंट एंड कोलिजन जो होता है उस सिचुएशन में जो लोअर पोर्शन जो है कॉलम का जो लोअर पोर्शन है वो डाउनवर्ड हो जाता है और जो 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 नीचे का जो पोर्शन है वो अपवर्ड हो जाता है, और जो कॉलम का जो जो सीरिंग कॉलम जो है आपका जो है उसका जो सीरिंग हैंडल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे मूव कर जाता है। तो इस सिचुएशन में ये जो आपका जो जो ये टर्न करके जो ये स्पेस बना हुआ है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और जो जो आपका जो स्पिंडल है जो कॉलम का जो स्पिंडल वो थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा टाइप का कोलेप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम है जो कि ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है। तो ये तीसरा प्रकार का था। आजकल जो होता है वो पावर स्टीयरिंग में भी देखा जाता है, वो ये जो है चौथा प्रकार का जो टाइप है वो ये है यूज किया जा रहा है, जिसमें इनर ट्यूब जो है सेफ्टी स्टीयरिंग कॉलम जो होती है यहाँ पर अपर और लोअर स्टीयरिंग स्पिंडल जो है कनेक्टेड रहते हैं, अपर स्टीयरिंग स्पिंडल और जो लोअर स्पिंडल जो है इसमें कनेक्टेड रहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो बॉल बियरिंग है या फिर प्लास्टिक रिवेट जो होता है वो इसमें ट्यूब के यहाँ पर जो है पोजीशन में जो दो डॉट दिखाई दे रहे हैं वो आपका बॉल बियरिंग है। तो इस सिचुएशन में ये जो बॉल बियरिंग है वो शिफ्ट हो जाता है, तो आउटर ट्यूब जो है वो जो ये जो आपका आउटर ट्यूब होता है वो एक्सपांडेड मेटल मैश से मिलकर बना होता है। तो जब आपका जब इवेंट ऑफ कोलिजन आता है तो सिचुएशन में जो मैश है वो मैश जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ये जो आपका जो जो ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ कोलिजन के टाइम पर ये जो मैशिंग जो है वो शिफ्ट हो जाती है और जो ये जो आपका जो जो आउटर ट्यूब है वो थोड़ा शिफ्ट होकर के इनर ट्यूब के इन पोर्शन से कनेक्टेड होते हुए यहाँ पर शिफ्ट पोजिशन ले लेता है। तो ये जो आपका जो जो पोजीशन है जिसमें जो आपका जो लोअर स्पिंडल है वो पुश्ड हो जाता है आउटर ट्यूब में, और इस प्रकार से डिफॉर्मेशन जो होता है आउटर ट्यूब का वो इम्पैक्ट फोर्स को जो यहाँ पर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आपका स्टीयरिंग व्हील जो है और स्पिंडल जो है स्लाइडिंग मोशन को फॉलोअप करते हुए यहाँ पर जो है ये कवरअप कर लेता है, तो स्लाइडिंग मोशन यहाँ पर फॉलोअप होता है, जो बियरिंग जो है वो धीरे धीरे स्लाइड होकर के यहाँ पर जो है वो ऊपर शिफ्ट जाती है और ये जो आपका जो आउटर ट्यूब है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो ये एक ये जो है कोलेप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम का जो टाइप है ये। इसमें चार प्रकार की स्टीयरिंग कॉलम थे, इसमें जो पहला जो था इसमें एक्सपांडेड मेटल मैश यूज किया जाता है, दूसरा जो है यहाँ पर यूनिवर्सल ज्वाइंट यूज किया जाता है ताकि वो टर्न कर सके, यहाँ तीसरा जो है यहाँ पर दो शाफ्ट जो है वो एक दूसरे के लाइन में ना होकर के ज्वाइंट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, दो शाफ्ट जो है यहाँ पर ये जो है यहाँ पर दिख रहा है ये। तो ये एक तीसरा टाइप है। चौथा जो है यहाँ पर जो है ये इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब बॉल बियरिंग के कनेक्टिविटी के साथ में यहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो है चार प्रकार के आपके जो कोलेप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो गियर जो होता है स्टीयरिंग गियर बॉक्स में जो स्टीयरिंग जो गियर बॉक्स होता है वो गियर बॉक्स में जो स्टीयरिंग गियर होता है वो न केवल स्टीयर के एक्शन के थ्रू काम करता है, बल्कि यहाँ पर होता क्या है कि सेम टाइम पर वो एक रिडक्शन गियर की जैसा भी काम करता है। तो ये जो रिडक्शन गियर की जैसे काम करता है जो आपका जो गियर बॉक्स में जो आपका जो गियर होता है, तो होता क्या है कि जो टर्निंग एफर्ट जो है स्टीयरिंग व्हील का जो टर्निंग एफर्ट रिड्यूस होता है जब आप ऑपरेट करते हो स्टीयरिंग व्हील को, तो स्टीयरिंग व्हील जो है टर्निंग एफर्ट रिड्यूस होता है और जो आउटपुट टॉर्क है उस सिचुएशन में इंक्रीज होता है। तो ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स के टाइम का फंक्शन का रोल प्ले है। और ये जो रिडक्शन रेशियो है इसे हम स्टीयरिंग गियर रेशियो भी कहते हैं। तो ये जो लार्जर रेशियो जो होता है रिड्यूस करता है स्टीयरिंग एफर्ट को, तो जितना ज्यादा लार्जर रेशियो रहेगा वो उतना स्टीयरिंग एफर्ट को रिड्यूस करेगा। तो ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स का छोटा सा एक पॉइंट्स है
आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्टीयरिंग गियर बॉक्स, स्टीयरिंग गियर रेशियो, यहाँ पर एक टर्म आता है जो स्टीयरिंग गियर रेशियो है, ये जो जो स्टीयरिंग गियर है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लाइन में अगर इसको समझना चाहे तो इट इज द नंबर ऑफ द डिग्री दैट द स्टीयरिंग व्हील मस्ट बी टर्न्ड टू टर्न द फ्रंट व्हील बाय 1 डिग्री। तो स्टेटमेंट से ही इसमें क्लियर है कि ये जो जो नंबर ऑफ द डिग्री है जो कि स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने के लिए जरूरत पड़ती है जब फ्रंट व्हील एक एक डिग्री टर्न हो जाता है, तो ये जो नंबर ऑफ द डिग्रीज है जो कि स्टीयरिंग गियर रेशियो को जो ये जो डिग्री जो है वो स्टीयरिंग गियर गियर रेशियो के लिए जो है कनेक्टेड रिलेवेंट है। यहाँ पर हायर द स्टीयरिंग रेशियो द इजियर इज टू स्टीयर व्हीकल, मतलब जितना ज्यादा स्टीयरिंग रेशियो जो है हायर होगा, स्टीयरिंग गियर रेशियो जितना ज्यादा हायर होगा उतना ही ज्यादा व्हीकल जो है स्टीयर करने के लिए अनुकूल होता है, ओरिएंटेड होता है। जितना ज्यादा हायर स्टीयरिंग रेशियो होता है उतना ज्यादा व्हीकल जो है स्टीयर कर पाता है। पैसेंजर कार यूजुअली जो होते हैं स्टीयरिंग, जो पैसेंजर कार है यूजुअली उनके लिए स्टीयरिंग रिडक्शन रेशियो जो होता है वो 10 और 20 से लेकर के 1 के रेशियो के बीच में होता है आपका जो स्टीयरिंग गियर रेशियो के लिए। और आपका जो ट्रक है उसके लिए अगर हम फिगर आउट बात करें तो उसका जो जो रेशियो है वो 20:1 के रेशियो में रहता है। अब अगर हम रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप अगर हम बात करते हैं रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप के लिए स्टीयरिंग गियर रेशियो जो होता है, तो वो जो रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप के लिए स्टीयरिंग गियर रेशियो जो होता है वो होता है बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील रोटेशन डिग्री में और रेशियो ऑफ द पिटमैन आर्म मूवमेंट इन द डिग्री में। मतलब ये जो आपका रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप जो स्टीयरिंग गियर रेशियो जो होता है वो आपका डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील रोटेशन इन द डिग्री और टू द पिटमैन आर्म मूवमेंट इन द डिग्री, पिटमैन मूवमेंट आर्म मूवमेंट इन द डिग्री के बराबर होता है। तो ये स्टीयरिंग गियर रेशियो को बताता है, ये अमाउंट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील रेशियो व्हील रोटेशन डिवाइड बाई पिटमैन आर्म मूवमेंट इन द डिग्री। तो ये जो है ये रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर रेशियो के लिए बताता है। अब यहाँ पर अगर हम रेक और पिनियन टाइप का अगर हम जो स्टीयरिंग गियर रेशियो को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो जो जो आपका जो रेक एंड पिनियन के लिए जो आपका स्टीयरिंग गियर रेशियो जो होता है वो होता है बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील रोटेशन इन द डिग्री टू द फ्रंट व्हील स्टीयरिंग एंगल। इसके जो रेशियो है वो किसके लिए, रेक एंड पिनियन के लिए टाइप के लिए है। आपका रेक एंड पिनियन के लिए स्टीयरिंग गियर रेशियो इस प्रकार से होता है। और जो आपका जो स्टीयरिंग गियर रेशियो जो है रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप अगर स्टीयरिंग गियर रेशियो होता है तो उसके लिए आपका अमाउंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील रोटेशन टू द पिटमैन आर्म मूवमेंट होता है उसका रेशियो के बराबर होता है। तो ये स्टीयरिंग गियर रेशियो है, ये स्टीयरिंग गियर रेशियो को आप देख लेना, आप लोग को मैं गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा। इसमें ये जो है एक लास्ट जो है यहाँ पर जो है मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके कि टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है यहाँ पर जो मेन है जो टाइप है स्टीयरिंग गियर बॉक्स का, तो ओवर नंबर ऑफ द ईयर में नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टीयरिंग गियर बॉक्स को यूज किया जा चुका है। जैसे कि ये इंक्लूड करता है पहला जो है वॉरमैन सेक्टर गियर बॉक्स स्टीयरिंग गियर बॉक्स यूज किया जाता है, दूसरा जो है स्क्रू एंड नट गियर बॉक्स यूज किया जाता है, और तीसरा जो है वॉरमैन पैग गियर बॉक्स यूज किया जाता है, चौथा जो है वॉरमैन रोलर गियर बॉक्स यूज किया जाता है, पांचवा जो है रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर बॉक्स यूज किया जाता है, और छठवा जो है रेक एंड पिनियन टाइप गियर बॉक्स यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के गियर बॉक्स जो है यहाँ पर यूज किए जाते हैं आपके ऑटोमोबाइल व्हीकल में। और पहला जो है यहाँ पर जो है वो है आपका वॉरमैन सेक्टर, यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये जो वॉरमैन सेक्टर है। तो ये जो है जो आपका जो है यहाँ तक के मैं आपको बताना चाह रहा था, तो आज के लिए यहीं तक रखें क्या?
तो आज के लिए यहीं तक क्लास रखें। पूरी तरह से क्लास गायब है क्या? ठीक है सर, यहीं तक रहने दीजिए। तो चलो ठीक है, क्लास को कोई सुन भी रहा है कि आप लोग ध्यान देकर के निकल गए हो? यस सर, सुन रहे हैं। तो कुछ समझ में आया यार आज क्लास जो है? आज बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन किया सर। नहीं, स्टूडेंट ज्वाइन कम किए हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा मोड़ा भी समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। चलो ठीक है, तो मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लो आप लोग। तो थोड़ा सा अगर स्लाइड देखना चाहोगे ना तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। मैं रिकैप कर देता हूँ कि स्टीयरिंग सिस्टम को मैंने थोड़ा सा बताया इंट्रोड्यूस कराते हुए, और स्टीयरिंग सिस्टम के बाद में मैंने उसका फंक्शन बताया कि स्टीयरिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है। और स्टीयरिंग सिस्टम के तीन फंक्शन है, पहला तो स्विंगिंग और मेंटेन, दूसरा जो है करेक्ट एफर्ट को मेंटेन करने के लिए, तीसरा जो है मेजर पार्ट ऑफ द रोड शॉक्स को अब्सॉर्ब कर ले, जो है वो स्टीयरिंग सिस्टम के तीन फंक्शन। इसमें रिक्वायरमेंट जो था वो एक्सेलेंट मैन्युवेरेबिलिटी, दूसरा जो है प्रॉपर स्टीयरिंग एफर्ट जो है, और तीसरा जो है वो आपका स्मूथ रिकवरी आपकी रिक्वायरमेंट है, और चौथा जो मिनिमम ट्रांसमिशन ऑफ शॉक फ्रॉम द रोड सरफेस को जो है मिनिमम ट्रांसमिशन करे। तो ये आपके चार प्रकार के मेन जो रिक्वायरमेंट है वो आपका जो स्टीयरिंग व्हील स्टीयरिंग सिस्टम के लिए। कंपोनेंट में मैंने आपको बताया कि तीन कंपोनेंट होते हैं मेन स्टीयरिंग, जो मेन सेक्शन जो है स्टीयरिंग कॉलम है, दूसरा स्टीयरिंग गियर है, स्टीयरिंग लिंकेज, तीसरा जो है वो आपका स्टीयरिंग लिंकेज जो है, वो तीन कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। तीन कंपोनेंट के बारे में बताने के बाद मैंने कोलैप्सिबल कंडीशन जो बताया था स्टीयरिंग सिस्टम को, कोलैप्सिबल कंडीशन बताया था। इस कोलैप्सिबल कंडीशन में जो है एक डायग्राम जो था उसमें एक्सपांडेड मेटल मैश यूज किया जा रहा है, एक्सपांडेड मेटल मैश यूज किया जाता है जो कि कोलैप्सिबल के टाइम पर जाकर के वो कंप्रेस्ड हो जाता है। और दूसरा जो मैंने बताया कि जिसमें एक यूनिवर्सल ज्वाइंट वाला जो स्टीयरिंग कॉलम जो है यूनिवर्सल ज्वाइंट है, उसमें तो एक दूसरा फिगर था जिसमें यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा हुआ था, वो जब कोलैप्सिबल होता है तो जो आपका जो जैसे ही कोलैप्स होता है तो उस सिचुएशन में आपका जो स्टीयरिंग कॉलम है वो टर्न लेकर के थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तीसरा जो मैंने बताया था कि दो शाफ्ट कनेक्टेड है, जब आपका जो कोलैप्सिबल कंडीशन आता है तो ये जो आपका जो शाफ्ट है वो नीचे की ओर चला जाता है, और नीचे वाला शाफ्ट वो थोड़ा सा ऊपर राइड अप हो जाता है। तो इस प्रकार से एक स्पेस मिल जाता है जिसमें वहां पर जो है वो आपका जो स्टीयरिंग कॉलम जो है वो एक स्पेस मिल जाता है ड्राइवर को सिचुएशन में एक एकोमोडेट होने के लिए। चौथा जो था जो कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम जो था उसमें इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब बॉल बियरिंग के थ्रू कनेक्टेड जो थे, इनर बियरिंग और बॉल बियरिंग जो है कनेक्टेड जो थे उसमें बॉल बियरिंग के थ्रू कनेक्टेड थे। तो उसमें होता क्या कोलैप्सिबल कंडीशन में जब इवेंट ऑफ कोलिजन आता है तो वो जो आपका जो शाफ्ट है, राव सुनील कुमार अभी कुछ लोग लेट से आए हैं क्या?
राहुल कुमार, राहुल कुमार यस सर, क्या हो गया, लेट क्यों हो गए थे? यस सर, लेट क्यों सर हो गए नेटवर्क इशू है सर, बारिश हो रहा है। अच्छा, तो रुक जाओ थोड़ा, अटेंडेंस में तुम्हारा ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने कोलेप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम के कंडीशन को बताया, जिसमें चार प्रकार के कोलेप्सिबल कंडीशन थे, जिसमें जो चार प्रकार के स्टीयरिंग सिस्टम आते थे ऑटोमोबाइल के टाइम पर, जिसमें जो चौथा जो है वो एडवांस स्टीयरिंग कॉलम सिस्टम है। यहाँ पर एक टर्म आया था स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में बताया था, जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स असेंबली जो है न केवल स्टीयर करती है फ्रंट व्हील को, बल्कि सेम टाइम पर वो रिडक्शन गियर जैसे काम भी करती है स्टीयरिंग गियर बॉक्स की जो स्ट्रेटेजी है। तो बाय रिड्यूसिंग द स्टीयरिंग व्हील व्हील टर्निंग एफर्ट को रिड्यूस करके आउटपुट टॉर्क को इंक्रीज करता है जो व्हील के जो है उसको, तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग कंडीशन में काम आता है स्टीयरिंग गियर बॉक्स का। तो यहाँ पर स्टीयरिंग गियर बॉक्स है, तो ये जो रिडक्शन इन द रेशियो जो होता है वो स्टीयरिंग गियर रेशियो भी कहलाता है, और स्टीयरिंग गियर रेशियो को यहाँ पर मैंने आपको रेशियो स्टीयरिंग गियर रेशियो में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। अगर अब रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर रेशियो यूज किया जाता है तो उस सिचुएशन में अमाउंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील रोटेशन टू द पिटमैन आर्म मोमेंट जो होता है रेशियो वो आपका रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर रेशियो के लिए है। और अगर हम रेक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग गियर रेशियो को लेते हैं तो वो अमाउंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील रोटेशन बाय द फ्रंट व्हील स्टीयरिंग एंगल का जो रोटेशन डिग्री का जो रेशियो है उसको स्टीयरिंग गियर रेशियो बताता है। तो ये इस प्रकार से स्टीयरिंग गियर रेशियो यूज किया जाता है आपके जब जब आपका जो डिजाइन किया जाता है आपके स्टीयरिंग को, अगर हम डिजाइन करते हैं सिचुएशन में ये काम आता है। टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्स को बता करके मैंने आपको पांच छह प्रकार के टाइप बताए थे स्टीयरिंग गियर बॉक्स के, मैंने छह प्रकार बताए थे जिसको मैंने इंडिकेट करते हुए बोला कि आज के लिए यहीं पर रख देते हैं, इसके आगे हम लोग बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पहला टाइप जो था स्टीयरिंग गियर बॉक्स का वो है वॉर्म एंड सेक्टर है, दूसरा जो है स्क्रू और नट है, और तीसरा जो है वॉर्म एंड पैग है, और चौथा जो है वॉर्म एंड रोलर टाइप का स्टीयरिंग गियर बॉक्स आता है, पांचवा जो है रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप आता है, छठवा जो है रेक एंड पिनियन टाइप का स्टीयरिंग गियर बॉक्स आता है। तो इस प्रकार से आपके जो है छह प्रकार के स्टीयरिंग गियर बॉक्स यूज होते हैं, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर रहने दें। हाँ सर, ठीक है, आज के लिए यही रहने देते हैं, आगे की क्लास के लिए हम कल देखेंगे। और इसका जो नोट्स है इसको तुम लोग एक बार आज पढ़ लेना तो आपके दिमाग में और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा ऊपर ऊपर जो इंटरेक्शन जो होता है यूट्यूब और ये सब जो नेट वाला जो इंटरेक्शन होता है इसमें काफी कम समझ में आता है यार, जो हम लोग फ्रंट टू फ्रंट क्लास देखते हैं ज्यादा समझ में आता है, या हम लोग जो प्रैक्टिकली चीज देखते हैं या फ्रंट पे जो चीज देखते हैं उसको हम ज्यादा दिमाग में रख पाते हैं। तो इसके लिए मैं गूगल क्लासरूम में आप लोगों को नोट्स भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लेना ताकि थोड़ा सा ध्यान में समझ में आए स्टीयरिंग सिस्टम जो है मॉड्यूल जो है किस टाइप का यहाँ पर नोट्स दिया हुआ है, क्या टाइप का उसका एक्शन है, क्या उसके रिक्वायरमेंट है, क्या उसके फंक्शन है, थोड़ा ध्यान में रहेगा आप लोग को तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए जिन जिन लोग को लीव करना है वो लीव कर सकते हैं। क्लास एंड हो गई, जिनको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं।